विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रिया लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागननाय श्रुति यज्ञ विवसा गौरीसुताय गणनाथ नमन हस्ते। बलि के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का उस पर प्रसन्न होना। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने असुरराज बलि का बड़ा तिरस्कार किया और उन्हें धैर्य से विचलित करना चाहा, परंतु वे तनिक भी विचलित न हुए और बड़े धैर्य से बोले। दैत्यराज बलि ने कहा, देवताओं का आराध्य देव, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है, क्या आप मेरी बात को असत्य समझते हैं? ऐसा नहीं है, मैं उसे सत्य कर दिखाता हूँ, आप धोखे में नहीं पड़ेंगे। आप कृपा करके अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए, मुझे नरक में जाने का अथवा तो राज्य से हीन होने का भय नहीं है। मैं पास में बंधने अथवा अपार दुख में पड़ने से भी नहीं डरता। मेरे पास फूटी कौड़ी भी न रहे अथवा आप मुझे घोर दंड दे, यह भी मेरे भय का कारण नहीं है। मैं डरता हूँ केवल अपनी अपकीर्ति से। अपने पूजनीय गुरुजन के द्वारा दिया हुआ दंड तो जीवन मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय है, क्योंकि वैसा दंड माता पिता भाई और सुहृद भी मोहवश नहीं दे पाते। आप छिपे रूप में अवश्य ही हमें असुरों को श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं, अतः आप हमारे परम गुरु हैं। जब हम लोग धन कुलीनता बल आदि के मद से अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओं को हमसे छीनकर हमें नेत्रदान करते हैं। आपसे हम लोग का जो उपकार होता है उसे मैं क्या बताऊं? अन्य भाव से योग करने वाले योगी जन जो सिद्धि को प्राप्त होते हैं, वही सिद्धि बहुत से असुरों को और आपके साथ दृढ़ वैर भाव करने से ही प्राप्त हो जाती है। जिनकी ऐसी महिमा ऐसी अनंत लीलाएं, वही आप मुझे दंड दे रहे हैं और वरुण पास में बांध रहे हैं। इसकी न तो मुझे कोई लज्जा है और न तो किसी प्रकार की व्यथाई है। प्रभो, मेरे पितामह प्रहलाद जी की कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है, वे आपके भक्तों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। उनके पिता हिरण्यकश्यप ने आपसे वैर विरोध रखने के कारण उन्हें अनेक प्रकार के दुख दिए, परंतु वे आपके ही परायण रहे। उन्होंने अपना सारा जीवन आप पर ही निछावर कर दिया। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि शरीर को लेकर क्या करना है। जब यह एक न एक दिन साथ छोड़ ही देता है। जो धन संपत्ति लेने के लिए स्वजन बने हुए हैं, उन डाकुओं से अपना स्वार्थ ही क्या है, संसार के चक्र में डालने वाली ही है। जब मर ही जाना है तब घर के मुँह से भी क्या स्वार्थ है। इन सब वस्तुओं में उलझ जाना तो केवल अपनी आयु को खो देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा निश्चय करने के लिए मेरे पितामह प्रहलाद जी ने यह जानते हुए भी कि आप लौकिक दृष्टि से उनके भाई बंधुओं के नाश करने वाले शत्रु हैं, फिर आपके ही भय रहित एवं अविनाशी चरण कमलों का ही शरण ग्रहण की। क्यों न हो, वे संसार के परम विरक्त अगाध बोध संपन्न उदार हृदय एवं संत शिरोमणि जो थे। आप उस दृष्टि से मेरे भी शत्रु हैं, फिर भी विधाता ने मुझे बालात ऐश्वर्य लक्ष्मी अलग करके आपके पास पहुंचा दिया। अच्छा ही हुआ, क्योंकि ऐश्वर्य लक्ष्मी के कारण जीव की बुद्धि जड़ हो जाती है और वह यह नहीं समझ पाता कि मेरा यह जीवन मृत्यु के पंजे में पड़ा हुआ है और अनित्य है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा बलि का इस प्रकार कह ही रहे थे कि हरे नमा। परीक्षित, राजा बलि इस प्रकार कह ही रहे कि यह उदय होते हुए चंद्रमा के समान भगवान
ने प्रेम पात्र प्रहलाद जी वहाँ आ पहुँचे। राजा बलि ने देखा कि मेरे पितामह बड़े श्री संपन्न हैं, कमल के समान कोमल नेत्र है, लंबी लंबी भुजाएं हैं, सुंदर ऊंचे और श्यामल शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए हैं। बलि इस समय वरुण पास में बंधे हुए थे, इसलिए प्रहलाद जी के आने पर जैसे पहले के पहले वे उनकी पूजा किया करते थे, वह उस प्रकार न कर सके। उनके नेत्र आंसुओं से चंचल उठे, लज्जा के मारे मुंह नीचा हो गया था और उन्होंने केवल सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। प्रहलाद जी ने देखा कि भक्त वत्सल भगवान वहीं विराजमान हैं और सुनंद नंद आदि पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रेम के उद्वेग से प्रहलाद ने का शरीर पुलकित हो गया और उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वे आनंदपूर्वक हृदय से झुकाए हुए अपने स्वामी के पास गए और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। प्रहलाद ने कहा, प्रभो आपने ही बलि को ऐश्वर्य इंद्रपद प्रदान किया है और अब आज आपने जो हो सके छीन लिया। आपका देना जैसा सुंदर है ऐसा ही सुंदर लेना है। मैं समझता हूँ कि आपके इस पर बड़ी भारी कृपा की है, जो आत्मा को मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी से इसे अलग कर दिया है। प्रभो लक्ष्मी के मद से हरे नमः तो विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। उसके रहते भला आपके वास्तविक स्वरूप को ठीक ठीक कौन जान सकता है। अतः उस लक्ष्मी को छीनकर महान उपकार करने वाले समस्त जगत के महान ईश्वर सबके हृदय में विराजमान और सबके परम साक्षी श्री नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित प्रहलाद जी अंजलि बांधकर खड़े थे और उनके सामने ही भगवान ब्रह्मा जी ने वामन भगवान की से कुछ कहना चाहा, परंतु इतने में ही राजा बलि की परम साध्वी पत्नी विंध्यावली ने अपने पति को बंधा हुआ देकर भयभीत होकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मुंह नीचा करके भगवान की स्तुति की। विंध्यावली ने कहा, प्रभु आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ही इस संपूर्ण जगत की रचना की है। जो लोग कुबुद्धि है और वे ही अपने को इसका स्वामी मानते हैं। जब आप ही इसके कर्ता भरता और संहार करता है तब आपकी माया से मोहित होकर आप अपने को झूठ मूठ कर्ता मानने वाले निर्लज आपको समर्पण क्या करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त प्राणियों के जीवन दाता उनके स्वामी और जगत स्वरूप देवादिदेव प्रभु अब आप इसे छोड़ दीजिए। आपने इसका सर्वस्व ले लिया है, अतः अब यह दंड का पात्र नहीं है। इसने अपनी सारी भूमि और पुण्य कर्मों से उपार्जित स्वर्ग आदि लोग अपना सर्वस्व तथा आत्मा तक आपको समर्पित कर दिया है। एवं ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर रही है, यह धैर्य से अचित्य नहीं हुआ है। प्रभो जो मनुष्य सच्चे हृदय से कृपणता छोड़कर आपके चरणों में जल का आर्द्र देता है और केवल दुर्वा दल से भी आपकी सच्ची पूजा करता है, उसे भी आप उत्तम गति प्रदान करते हैं। फिर बलि ने तो बड़ी प्रसन्नता से धैर्य और स्थिरता पूर्वक आपको त्रिलोकी का दान कर दिया है, तब यह दुख का भागी कैसे हो सकता है। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ, क्योंकि जब मनुष्य धन के मद से मतवाला हो जाता है तब मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है और यह जीव हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय अपने कर्मों के कारण विवश होकर अनेक योनियों में भटकता है। जब कभी मेरी बड़ी कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है तब मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता कर्म अवस्था रूप विद्या ऐश्वर्य और धन आदि के कारण घमंड न हो जाए तो समझना चाहिए कि उस पर मेरी बड़ी कृपा है। कुलीनता आदि बहुत से ऐसे कारण हैं जो अभिमान और जड़ता आदि से उत्पन्न करके मनुष्य को कल्याण के समस्त साधनों से वंचित कर देते हैं, परंतु जो
मेरे शरणागत रहते हैं वे इनके इनसे मोहित नहीं होते। यह बलि दानव और दैत्य दोनों के ही वंश में अग्रणीय और उनकी कीर्ति बढ़ाने वाला है। हरे नमः। इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली है जिसे जीतना अत्यंत कठिन है। तुम देख ही रहे हो कि इतना दुख भोगने पर भी यह मोहित नहीं हुआ। इसका धन छीन लिया, राजपद से अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप किए, शत्रुओं ने बांध लिया, भाई बंधु को छोड़कर चले गए, इतनी यातना भोगनी पड़ी। यहाँ तक कि गुरुदेव ने भी इसको डांटा, फटकारा और साप तक दे दिया, परंतु इसकी दृढ़वती ने अपना प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इससे छल भरी बातें की, मन में छल रखकर धर्म का उपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म न छोड़ा। अतः मैंने इसे अपना वह स्थान दे दिया जो बड़े बड़े देवता भी बड़ी कठिनताओं से प्राप्त करते हैं। श्रावणी मन्वंतर में यह मेरा परम भक्त इंद्र होगा। तब तक यह विश्वकर्मा के बनाए हुए हरे नमा हुए सूतल लोक में रहें। वहाँ रहने से लोग मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करेंगे, इसलिए उनके शारीरिक अथवा मानसिक रोग, थकावट, तंद्रा, बाहरी तथा भीतरी शत्रुओं से पराजय और किसी भी प्रकार का विघ्नों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बलि को संबोधित कर महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ इस सूतल लोक में जाओ। वहाँ स्वर्ग के देवता भी चाहते हैं। बड़े बड़े लोकपाल भी अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे। दूसरों को तो क्या बात है, जो दैत्य तुम्हारा आज्ञा का उल्लंघन करेगा वो मेरे चक्र उनको टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं तुम्हारी और तुम्हारे अनुचरों और भोग सामग्रियों की भी सब प्रकार के विघ्नों से मैं रक्षा करूँगा। वीर बलि, तुम मुझे वहाँ सर्वदा अपने पास ही देखोगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दानव और दैत्य के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ असुर भाव होगा वह मेरे प्रभाव से तुरंत दब जाएगा और नष्ट हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सचिदानंद रूपाय विश्व प्रत्यादि देवे तापता विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री सचिदानंद रूपाय विश्व प्रत्यादि देवे तापता विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः इति।